देखिए ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक बार हम लोग देख लेते हैं. कहता है कि ए स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जाता है. देखिए ये प्रीवियस ईयर एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, सब इंस्पेक्टर का, 2004 का. कहता है एक पॉइंट मान लो कोई भी, ये पॉइंट है, स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन. चलिए स्टेट मैंने कर दिया इसको कि 5 किलोमीटर जाता है किधर, नॉर्थ की तरफ. देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, लेफ्ट जा रहा है तो इसका लेफ्ट इधर हो गया, ठीक है, तो हम लोग इधर लेफ्ट चले गए, कितना 3 किलोमीटर बोलता है ना, तो ये 3 किलोमीटर हम लोग लेफ्ट चले गए मान लो. फिर कहता है देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर. फिर लेफ्ट होता है, लेफ्ट इधर हो गया, कितना चल रहा है आपको, फिर से 5 किलोमीटर चल रहा है, तो इतना ही डिस्टेंस चलेगा 5, क्योंकि ये भी 5 था, तो 5 किलोमीटर. जैसे ये 5 था उतना ही इधर भी लेंगे 5 का, ठीक है. ठीक है, आगे कहते हैं पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच ही इज गोइंग नाउ. ठीक है, किस डायरेक्शन में अब ये जा रहा है, देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर. ठीक है, ये अब इधर जा रहा है तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये कह रहा है पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच इज गोइंग नाउ. किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये साउथ के डायरेक्शन में जा रहा है, इधर ही जा रहा है ना, तो साउथ के डायरेक्शन में जा रहा है. स्टार्ट किया एक पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट था, 5 किलोमीटर गया, फिर लेफ्ट हुआ, तो अब पूछ रहा है कि अभी किस डायरेक्शन में ये जा रहा है, तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ में जा रहा है. होप आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है, जैसे जैसे बोलते जाए वैसे वैसे आप केवल उसको डायरेक्शन करते जाओ, जितना किलोमीटर जाए, अगर सेम है तो सेम ले लेंगे लाइन, ये जरूरी नहीं कि आप कैसे डिफाइन नहीं कर सकते 5 किलोमीटर, लेकिन अप्रोक्स ले लेके हम लोग उसको करते हैं कि ये 5 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये फिर से 5 किलोमीटर, तो उतना ही डिस्टेंस जाएगा. ठीक है, तो किधर जा रहा है, साउथ के डायरेक्शन में जा रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ. ठीक है, ओके.